महाराष्ट्र से मोइना साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा लड़का है 12 साल का, उसको ना रात में बिस्तर गीला करने की प्रॉब्लम है। मतलब कई दवाई बताई हमने पर उसका कुछ ये नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। ठीक। अच्छा देखिए, अखरोट, दो अखरोट तकरीबन रोज खिलाएं ना। अखरोट भी ऐसे हों कि आपको खुद तोड़ने पड़े, तो वो ताज़े अखरोट ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। दो अखरोट खिलाएं और 5, 7, 10 किशमिश रोज़ाना रात को इन्हें खिला दिया करें। बहुत जल्द बच्चे की परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी तेलंगान चल रहे हैं बानू के पास। जी बानू साहब फरमाइए। बानो साहब मैं सुन पा रही हैं? टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए, कम कीजिए। जी हेलो। हाँ हाँ बताइए क्या सवाल है। तुम बात नहीं करे जी? जी क्या क्या बोलना। हेलो हेलो। जी बहन बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गोल मोरिंगा खसखस के साथ पे अखरोट मिला सकते क्या? पूछ रहे। जी किन सर। जी जरूर मिला सकते हैं, और एक वक्त में उसकी तादाद दो अखरोट से ज्यादा ना हो तो बेहतर है। आप जरूर मिला सकते हैं उसमें। सावरा साहबा कर्नाटक से। जी बताए बहन क्या सवाल है। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आज दवा आ गई डॉक्टर साहब, आज दवा मंगाई थी ना, तुम ऑर्डर किए थे ना, दवा ऑर्डर करके लगाए हैं आज कलंजिया का छिलका भी काला गोंद। ठीक। क्यों खाना और क्या करना? काला गोंद इसको पाउडर बना लीजिए, इसे तोड़ के थोड़ा थोड़ा तोड़ के फिर ग्राइंडर में डालेंगे तो पाउडर बन जाएगा। थोड़ा मोटा भी रहे तो कोई बात नहीं। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद, पानी से या कम चर्बी के दूध से खाना बेहतर है। इसे दो वक्त खाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, कुर्सी वाला ऐसा शौचालय इस्तेमाल करें, और झाड़ू पोंछे से भी परहेज करें तो बहुत जल्दी फायदा होना मुमकिन है। नुसरत साहब पहले आपसे मुखातिब है, शेख साहब थोड़ा सा इंतजार, आपसे जरूर बात करेंगे। जी नुसरत साहब फरमाइए क्या सवाल है। हेलो। जी फरमाइए बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं नुसरत कुरैशी राजगढ़ जिले तहसील नरसिंहगढ़ से बोल रही हूँ। इस्तकबाल है आपका, खुश आमदीद फरमाइए। हमारी मम्मी की एज 45 है और उनको जगह जगह हड्डियाँ पड़ रही, मतलब शरीर में, पैरों में और हाथों में, सब जगह उनको हड्डियाँ पड़ रही। ये किसने कहा बच्चा? जी ये बात किसने कही और क्या? नहीं जैसे कि उनको बहुत तकलीफ है, जैसे एड़ियों में से पीछे से उनको निकल रही है। नहीं डॉक्टर ने कहा है, आप कह रही हैं? नहीं डॉक्टर भी बताते हैं ना कि आपको जैसे हड्डियाँ बड़े जगह जगह हाथ पे पोछे पे पैरों में। एक्सरे करवाया है कोई आपने? जी जी एक्सरे करवाए, उसमें भी यही चीज कही है? जी जी उसमें भी यही आया है। चलिए ठीक। एक कॉलर और है अकील साहब। शेख साहब एक बार फिर रब्ते में है। जी बताएं क्या सवाल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मेरे को कमर में दर्द है, एक लेफ्ट साइड से लेफ्ट के पैर तक पूरा नीचे तक दर्द हो रहा। जी मैं एक बार एक्सरे कराया तो भी रगों के डॉक्टर करने गया तो उन्होंने बोले नस दब गई बोल के बोले थे। एक अढ़ाई महीने से गोलियां खा रहा हूँ डॉक्टर साहब, जरा फर्क नहीं आया, थोड़ा 50% फर्क आया बस, और मेरे हाथ मेरे घुटनों तक भी नहीं जा रहा था, दर्द हो रहा पूरा। कौन सी गोलियां खा रहे? वो टैबलेट्स कुछ लिख के दिए थे साहब। अच्छा हमारी तो नहीं खा रहे ना, हमारी कोई दवा नहीं खा रहे ना? नहीं आपकी दवा कोई नहीं खाया सर। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए दर्द की गोलियां तो आप कितनी भी खा लें, दर्द कम होगा फिर हो जाएगा,
कम होगा फिर हो जाएगा। आपको मर्ज की गोलियों खानी चाहिए, मर्ज की दवा खानी चाहिए। तो वो भी दवा खा सकते हैं आप जो खा रहे हैं, लेकिन उसके फिर नुकसान आपको होने लगेंगे। तो यूनानी में सबसे अच्छा जो फार्मूला माना जाता है वो है गौंद स्याह खरीदें असली। इसमें नकली बहुत मिलता है, बेशतर लोग नकली दे देते हैं ज़रा से फ़ायदे के लिए। ये गौंद स्याह एक गौंद है जो काले रंग का होता है, इसे काला गौंद भी कहते हैं और कड़वा होता है जायके में। इसके एवज में अक्सर लोग क्या करते हैं कि एलवा दे देते हैं, ये एलवा नहीं है, या ढाक का गौंद दे देते हैं, ये वो भी नहीं है। ये दोनों गौंद चमकते हैं, और ये जो गौंद है गौंद स्याह चमकता नहीं है, ये इसकी निशानी है। और 15-16 रुपए का 1 ग्राम मिल जाता है, ये 1 दिन का खर्च है। तो आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम रात को खाने के बाद। बस 100 ग्राम भी आपको असली मिल गया तो अपने ख़त्म होने से पहले आपके मर्ज को ख़त्म करने की ताकत रखता है। ये एक रॉ मटेरियल है। और ये बच्ची जिसने फ़ोन किया था, जिनकी वालदा की उम्र 42 साल है, यही गौन वो अपनी वालदा को भी दें। और वेस्टर्न टॉयलेट आप लोग ऐसा कुर्सी वाला बैतुल खला इस्तेमाल करें, और झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें, वज़न ना उठाएं, ये एहतियात है। जो शख्स इसको असली ख़रीद कर इस्तेमाल करे उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी लानी जी, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे बात ज़रूर करेंगे। आपसे पहले दयावती जी हमारे साथ। जी फरमाइए। जड़ी बूटी वाला जो दवाई मंगाया ना, उससे पेट में बहुत गैस भर रहा है। हाँ, तो आप गैस की कोई दवा ले लीजिए साथ में उसके। ये गौंद स्याह तो आपको खाना है, गैस की परेशानी हो तो आप गैस की दवा लिया करें इसके साथ में। बुखार आ जाए तो बुखार की दवा लें, नज़ला हो जाए तो नज़ले की दवा लें। आप इसको अपने जोड़ों के दर्द का इलाज मानकर कुछ भी और परेशानी आती है तो उसके साथ दवा ले सकते हैं। जी जी लानी पाशा साहब, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। बहन आपको भी सलाम, हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मैंने गोल मोरिया सफेद मंगाया था बच्ची के लिए। गोल मोरिया सफेद बताया था बच्ची के लिए। बच्ची बेंगलोर में ट्रेनिंग कर रही, वहीं पे इसका साल्ट ये है, पानी है जी, नमक का पानी है। पानी नहाने के लिए उन्होंने शैम्पू यूज कर रही थी। वो शैम्पू यूज करना है या नहीं करना है, या खाली गोल मोरिया खाते ही रहना है? नहीं समझा। वहां पर गोंद मोरिंगा असली आपने पहुंचा दिया पानी के साथ आपने? पानी के साथ कह रहे हैं? पानी नहीं, पानी नहाने का पानी जो नमक का पानी है, वो जो सप्लाई कर रहे हैं नमक का पानी है वो हाल में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ले सकते हैं आप नमक का पानी, जैसा भी सप्लाई है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो मजबूरी है। और आप इसे लेना शुरू करें, बच्ची से कहिए, और वो जो पानी वहाँ सप्लाई होता है वो तो सबके साथ है, तो वो भी ले सकती है, कोई मज़ायका नहीं। अंजुम साहब, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले रुकैया साहब फ़ोन लाइन पर हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैं वो रुकैया बोल रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी कॉल ली है। और मैं बस कुछ कहना ही भूल जाती हूँ हमेशा। जो अभी आप हकीम साहब ने शेर सुना है, पूरे इतने दिल को उतर गए। मैं तो खैर शायर नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ, लेकिन इतने कि इंसान जैसा रहता है वैसे ही पाता है। हकीकत में मैं कभी कुछ सुनती हूँ तो मेरे को आप बिल्कुल, हमारे को ऐसा लगता है हमारे लिए सही हो गया है। आप सारी जरूरतें पूरी कर देते हैं। लेकिन एक आज मैं बहुत मतलब गंभीर हूँ, जैसे बहन जी का स्टोर के लिए अल्सर छाले बता रहे हैं, लेकिन इतने तकलीफ में है कि बड़े परेशान हो रहे हैं। उनका पेट का दर्द जा नहीं जान, इतना इलाज लेने के बाद भी इतने परेशान हो रहे हैं। कल तो मेरे को बहुत रोना अभी आया था कि क्या हुआ, दिल भी इतना, हालत भी इतनी घिरती जा रही है उनकी, तो कुछ दिमाग काम नहीं करता। मैं तो कुछ बोलते बोलते भूल जाती हूँ, आपसे बात करने ही भूल जाती हूँ। आपको बस देख के गम भी दूर हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है आपके बस इल्मों में, ईमान में बहुत बरकत दे, जहन में भी दे। आप दोनों की हकीकत में अभी उन्होंने सुधा जी ने किया था नहीं, आपकी जोड़ी तो सलामत है। बस चार चांद लग जाते हैं आपकी बात से, हमें हमारा गम दूर हो जाता है। और बस ये दुख आते हैं, और ये अभी वायरस चल रहा है डेंगू का, टाइफाइड का, तो कुछ इसका भी हमें
बताएं हमें घर में क्या करना चाहिए अभी। और हमारा एक भांजा है, भतीजे की लड़का है, तो उसके तो बिल्कुल कीटाणु कम बता रहे हैं, टाइफाइड हो गया, तो उनको क्या देना चाहिए? बच्चे की तो उम्र बता दीजिए, वो बच्चा कितना बच्चे बड़ा की उम्र होगी 18-19 साल ही होगी, ज्यादा नहीं, जवानी बच्चा है, बाकी उसके कीटाणु बहुत कम बता दिए डॉक्टरों ने। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, अंजुम साहिबा का सवाल भी ले ली जी। बताइए अंजुम साहिबा, क्या सवाल है आपका? जी मेरे नाम आपकी ऐसे इतने दिन मेरा इलाज चल रहा है, दो एक बार तो मैंने कोरस खा लिया आपका, जो आप मेरे ना बस ये फुंसी हो रही ना, इसमें कुचर बंद नहीं हो रही खुजली, थोड़े घाव है। ठीक है जी हकीम साहब, खुजली है, फोड़े फुंसियां की शिकायत। हाँ देखिए, जो भी इलाज मैंने आपको बताया है अगर उससे फायदा है तो फिर आप जारी रख सकते हैं, लंबे वक्त तक भी रख सकते हैं, और अगर बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है तो आप उसे रोक सकते हैं। किसी को फ़ायदा जल्दी होता है, किसी को देर में होता है, और अगर आपने 2-3 महीने इलाज किया है और अगर आपको 10-20-30% भी फ़ायदा है तो आप मुतमईन रहें, एक दिन अल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है मुकम्मल। जो एहतियात बताई हो उसकी एहतियात करें। और दूसरा सवाल, रुकैया साहब शौहर की वजह से परेशान है, पेट में दर्द है और इतनी तकलीफ़ है, जैसे उन्होंने कहा कि देख के उनकी हालत दिन ब दिन जो है वो थोड़ी गिरती जा रही है, वो परेशान है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, बेल का मुरब्बा खाएं, आधा पीस, 3-4 इंच का कतले आते हैं इसके पीसेस, वो आधा पीस सुबह आधा पीस शाम खाया करें, और डॉक्टरों का इलाज करें, और पूरे दिन में 1 चम्मच कभी भी ये आता है अरंडी का तेल कहते हैं, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल मेडिकल स्टोर पे मिलता है, वो 1 चम्मच पी के पानी पी लिया करें या चाय पी लिया करें, थोड़ी सी गर्म, और ये इलाज करें और डॉक्टरों का इलाज करते रहें। ये उनके जो छाले हैं उस पर मरहम का काम करेगा रोज़ाना, 2 बार आप ये कर सकते हैं, 1 या 2 बार, और डॉक्टरों का इलाज करते रहें। दुआ मैं भी करता हूँ, आप भी करते रहें। बहुत शुक्रिया हमारी हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई का, आप ही लोगों की वजह से ये प्रोग्राम होता है, वरना ऐसी बातें ना कोई करता है ना कोई सुनता है। मौलाना लोग की बातें लोग नहीं सुनते, और यहाँ गैर मौलाना इंसान है और मौलाना लोग की बातें करते हैं। जज़ाकल्ला, सलामत रहें, शुक्रिया जी। समरीन, पहले आपसे मुखातिब है, बताएं क्या सवाल है? समरीन हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी जी, बताइए क्या सवाल है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, आपको भी अस्सलाम। बस तबीयत तो हकीम साहब को फॉलो कर रहे थे, सेहतमंद है, नए बच्चे, हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले जवान दिख रहे हैं माशाल्लाह, हकीम साहब की हर बात फॉलो करते हैं। अभी मेरा सवाल था कि अभी मेरा 5 महीने का बच्चा, 5 महीने कंप्लीट हुए हैं, वो सफिस्तान उन्माद वाला सर्दी वाला नुस्खा क्या मैं ले सकती हूँ? उसका फीडिंग कराती हूँ अभी बच्चे को, और वो हेयर फॉल के लिए और इसके चेहरे पे झाइया है, उसके लिए क्या मैं गोल मोरिंगा भी ले सकती हूँ फीडिंग कराने के दौरान हकीम साहब? ठीक है, एक कॉलर और है समरीन, थोड़ा सा इंतजार, हरनीम है हमारे साथ चेन्नई से जी, बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम जी हकीम साहब, मेरी कजिन भाना है, दो उनकी ना वो लोग बहुत रो रहे थे क्योंकि उनके ना पसीने में बात आती है, और वो नहा के आते भी हैं तो भी उनके पसीने में बात रहती है, और इन्हें ज्यादा पसीना होता है, वो इसी बात पर बहुत ज्यादा रोया करती थी क्योंकि हर रोज कोई चुड़ा देता है तो भी वो रोती हैं, के कारण वो बहुत रोती हैं, इसके लिए आप कोई इलाज बताएंगे? ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, ये अजीब सा मर्ज है, और ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पसीने में इतनी बदबू आती है कि सामने वाला एतराज़ करता है, तो लेकिन इसका भी इलाज है। एक तो एहतियात यह है कि बेकरी आइटम ना खाया करें और चने से बने हुई चीज़ें ना खाया करें, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है,
और उसके बावजूद अगर ऐसा होता है तो एक चम्मच धनिए का पाउडर खाएं और एक चुटकी नमक जैतून दो गिलास पानी मिलाकर दिन में एक बार या दो बार ले लिया करें, उनकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, दो मसले हैं इनके, समरीन के, एक तो 5 माह का बच्चा है और उसे वो सिबिस्तान और नाप वगैरह फीडिंग के दौरान क्या बच्चे को डायरेक्टली दे सकती हैं? दूसरे इनका अपना मसला चाइयों का है, अब गोंद मोरिंगा ये यूज़ कर सकती हैं? हाँ, देखिए बच्चे को तो नहीं दे सकते हैं, बच्चा तो 5 महीने का है, लेकिन ये नुस्खा आप ले सकते हैं और वो फीड करता है तो ये नुस्खा उसको भी पहुँचेगा और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होगा आपके साथ। और वो गोंद मोरिंगा का नुस्खा भी आप ले सकते हैं, उस वो लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप के बालों और चेहरे के साथ फ़ायदा ये होगा कि इसको एक मज़बूत किस्म का दूध भी हासिल होगा बच्चे को, और वो दूध पीने से आपके अंदर कोई कमी भी नहीं आएगी। दूध के साथ लें तो बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का।